हेलो दोस्तों, स्वागत है इस डॉन टेक्निकल पे। दोस्तों, गूगल ने अपना पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सेल लॉन्च कर दिया है और इन दो फ़ोनों के क्या है सब कुछ बात करेंगे, क्या प्राइस, क्या फेसिफिकेशंस और लास्ट में थोड़ी इस फ़ोन के बारे में गुफ्तगू करेंगे और थोड़ी बातचीत करेंगे इस फ़ोन के बारे में कैसा है पिक्सल 3 एक्सेल, पिक्सल 2 और पिक्सल 2 एक्सेल। काफ़ी पॉपुलर फ़ोन था। इस फ़ोन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर्स और सिंगल कैमरा और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कैमरे के मामले में कोई नहीं था उसके मामले में। और अब आ गया है पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सेल। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों। तो पहले बात कर लेते हैं पिक्सल 3 एक्सेल का स्पेसिफिकेशंस और पिक्सल 3 एक्सेल का स्पेसिफिकेशंस और उसके बाद बात करेंगे कुछ और। तो पिक्सल 3 एक्सेल में मिलता है आपको प्रोसेसर सबसे हाई एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 और इससे ऊपर का प्रोसेसर है ही नहीं जो दे होता तो शायद दे देता। और 4GB की रैम और 64GB की और 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 6.3 इंचेस का क्वाड HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है आपको OLED डिस्प्ले के साथ 18:5.9 एक्सपेक्ट रेशियो के साथ। और इसमें आप सिंगल नैनो सिम लगा सकते हो, सिंगल नैनो सिम। हालांकि इसमें आपको दो सिम का सपोर्ट मिल जाएगा, एक ई सिम जो आईफोन ने लॉन्च किया था वैसा ही ई सिम। और कैमरे की बात कर लेते हैं तो फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, दो कैमरा मिल जाता है आपको, एक 1.8 एपर्चर वाला, सॉरी एक 1.9 एपर्चर और एक 2.2 एपर्चर। जो 2.2 वाला एपर्चर वाला कैमरा है वो है वाइड एंगल लेंस। और बैक कैमरे की बात कर लेते हैं तो 12.2 मेगापिक्सल का 1.8 एपर्चर वाला कैमरा मिल जाता है, सिंगल कैमरा। और बैटरी 3430 मिली एम्पियर की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ मिल जाता है और IP68 का आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स, यही मिलता है स्पेसिफिकेशंस। और तो बहुत कुछ है, सब छोटे छोटे मिला के देखा जाए तो बहुत कुछ है, तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये तो पिक्सल 3 एक्सेल का हुआ। और पिक्सल 3 का दोनों सेम ही है, थोड़ा थोड़ा सिर्फ स्क्रीन उसमें आपको बड़ा मिल जाएगा और नॉच मिल जाएगा। इसमें आपको नॉच नहीं मिलेगा, आपको छोटे साइज का 5.5 इंच का स्क्रीन मिलेगा, नहीं तो सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। और आपको इस बॉक्स में आपको ईयरफोन भी मिल जाएंगे, ईयरफोन्स मिलेंगे आपको टाइप सी वाला ईयरफोन मिलेंगे। और बॉक्स के साथ डोंगल भी दिया रखा है टाइप सी 3.5 mm ऑडियो जैक के लिए भी। तो ये एप्पल ने नहीं किया, पिक्सल ने अच्छा किया, गूगल ने अच्छा किया और दे दिया। और अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में और प्राइस के बाद कुछ और बात करेंगे। जो पिक्सल 3 है वो 64GB वाला जो मॉडल है उसका प्राइस है 17,000 और 128GB वाला जो मॉडल है उसका प्राइस है 80,000। और जो पिक्सल 3 एक्सेल है उसका 64GB वाला मॉडल का प्राइस है 83,000 और जो पिक्सल 3 एक्सेल का जो 128GB वाला मॉडल है उसका प्राइस है 92,000। दोस्तों, ये तो हो गया प्राइस और स्पेसिफिकेशंस। तो चलो अब बात करते हैं इस फ़ोन को लेना सही होगा या गलत होगा। अगर आप एक फ्लैगशिप फ़ोन देखते हो तो इसमें आपको ग्लास डिज़ाइन मिल जाता है, पीछे का साइड, सामने का साइड ग्लास, सामने का साइड तो होगा ही क्योंकि स्क्रीन है, पीछे का साइड भी ग्लास दे रखा है और वाटरप्रूफ, डस्टप्रूफ सब है। फ्लैगशिप फ़ोन, टॉप नॉच स्पीड मिलेगा आपको और क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ। सब फ़ोन अब 8GB तक रैम दे रहे हैं, 8GB 6GB तक रैम दे रहे हैं और पिक्सल अभी भी 4GB रैम के साथ चल रहा है। मतलब सैमसंग सबसे कम देता था और इससे भी पिक्सल दे रहा है, बट 8GB वाला फ़ोन भी इससे फेल हो जाए क्योंकि रैम मैनेजमेंट में थोड़ा इशू लगेगा, बट नहीं लगा क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड है और एंड्रॉयड पाई कस्टमाइज
का साथ मिलेगा आपको, तो मज़ा आएगा यूज़ करने में। और इसलिए ही आपको 4GB की रैम दे रखा है, और ज़्यादा रैम की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये फ़ोन ही अच्छा है और सब कुछ है। थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, और डिज़ाइन एकदम मुझे बेकार लगा है, सबसे इसका नॉच बेकार लगा है। फ्रंट कैमरा आपने 2 मेगापिक्सल डुअल फ्रंट कैमरा दे दिया तो क्या हो गया, सिंगल देते, सिंगल में ही तो बढ़िया थी। वाइड एंगल किसको ज़रूरत है यार, वाइड एंगल किसी को ज़रूरत नहीं, सिंपल होगा तो ही बहुत अच्छा होगा, काम चला लेगा। वाइड एंगल अभी शायद ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि वाइड एंगल लेके क्या करेगा, ग्रुप सेल्फी करेगा। अगर ग्रुप सेल्फी लेना है तो सेल्फी स्टिक हाथ में लेके ले लेगा, और आपका कैमरा तो ख़राब नहीं होता है, जो क्लैरिटी नहीं आएगा एकदम टॉप नॉच आएगा, और दिखने में भी मज़ा आएगा। बट इसका जो नॉच है ना, एकदम मुँह दिख के लगता है कि मुंह को खींच के लंबा कर दिया और ऐसा एकदम बना दिया है मोटा सा। डुअल कैमरा नहीं देते तो भी अच्छा होता, सिंगल कैमरा, और मैं कहता था, और नीचे भी नौ जो चिन्ह होता है वो भी बहुत ज़्यादा है, चिन्ह को भी आपको कम करना चाहिए था। जो अभी चल रहा है ट्रेंड उसके हिसाब से यह फ़ोन नहीं है। डिज़ाइन सबसे इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि फ़ोन अगर देखने में ही अच्छा नहीं लगे यूज़ करने में, और इतना बड़ा नॉच दे दिया, जब कोई काम करेगा ना तब अटक जाएगा, बीच में अटक जाएगा और यूज़ करने में तकलीफ़ देगा। अगर पबजी खेलोगे ना तो पबजी के अंदर प्लेयर किधर है या और नहीं है दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यूज़ करके नहीं मज़ा आएगा। बस और ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये फ़ोन काफ़ी अमेजिंग फ़ोन है। इसका प्राइस परफॉर्मेंस प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, बट गूगल है ना, प्रीमियम फ़ोन है और सब कुछ अमेजिंग है, और क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपके पास पैसा है तो ले लीजिए फ़ोन, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और अगर आप पिक्सल के फ़ैन हो, बट अगर आपको सबसे अच्छा एकदम कैमरे के लिए फ़ोन चाहिए ना, तो ये तो बिल्कुल भी एकदम 100% यही लीजिए आप। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो रुक जाइए, आप पिक्सल 3 एक्सल ना लेके पिक्सल 3 ले लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बट थोड़ा छोटा है, मगर आप उससे भी काम चला लेंगे। तो और कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों, फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना, और नहीं अच्छा लगी तो डिसलाइक करना। अगर मन में कोई सवाल या डाउट है तो नीचे कमेंट करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ES.Technical सब्सक्राइब करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और बेल आइकन जो साइड में रखा हुआ है ना, उससे भी दबा देना, मुक्का मार देना, तोड़ देना, जो करना है कर लेना, सब कुछ करके देख लेना, मगर सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।